तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंजलि डिज़ाइंस में। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी ब्राइडल का ब्लाउज़ डिज़ाइन। ये साइज़ रहेगा 40 के अकॉर्डिंग और इसमें रहेंगे कफ्स, तो आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंग भी इस मेथड से बना सकते हैं। अस्तर यहाँ पे हमारे रहेंगे दो, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है कॉटन का अस्तर। इस तरीके से हमें इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। अपनी साइड रहेगी फोल्डिंग और सामने रहेगी ओपन साइड। स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को नीचे से हमें बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें 1 इंच बढ़ा के लेना है। यहाँ पे हमारी लेंथ है 14 इंच, उसमें 1 इंच बढ़ा के मैं लूँगी यहाँ पे 15 इंच। 15 इंच पे एक स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब नेक हमारा रहेगा डीप, तो हमें यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाना है। अगर बोट नेक है तो आप 7 इंच ले सकते हैं। आर्म होल लेना है हमें बैक पार्ट के लिए 7 इंच। स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर ले। अब जो भी हमारा चेस्ट है उसका 4th पार्ट ले लेना है और 1.5 इंच का मार्जिन। मार्जिन आप 2 इंच तक रख सकते हैं। स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर ले। इससे भी हमें बिल्कुल बराबर मार्जिन ले लेना है। आप चाहे तो 1 इंच कम भी ले सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कम नहीं लेना है। 1 इंच लेने के बाद 1.5 इंच का उसमें बाद में मार्जिन रख लेना। अब दोनों लाइंस को हमें बराबर मैच कर लेना है। नीचे का भी हमारा वेस्ट का 4th पार्ट और उसमें 1.5 से 2 इंच का मार्जिन। आर्म होल पे हमें 1 इंच का मार्जिन रखते हुए गोलाई दे देनी है इस तरीके से। टक्स लगाने के लिए हमें 4x4 पे एक निशान बना लेना है। टक्स इसमें ऑप्शनल रहेंगे, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 इंच के टक्स यहाँ पे लगेंगे। अब हमें नेक की फिनिशिंग करनी है। नेक की फिनिशिंग के लिए हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्जिन लगा लेना है। लेंथ आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा डीप भी नहीं रखूँगी और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं रखूँगी। 10 इंच का मार्जिन मैं यहाँ पे रखूँगी बैक पार्ट के लिए। नीचे से हमें 3 इंच का मार्जिन लेना है। स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लें। बॉक्स में आप आपके अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं, पर ब्राइडल में मोस्टली थोड़ा सा नीचे से कर्व शेप ही आता है, तो नीचे से मैं लूँगी 3.5 इंच। 3 इंच के बाद 1 इंच हमें बाहर की तरफ स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है ऊपर से मैच करके, और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे शेप बना लेंगे। थोड़ा सा राउंड शेप हमें यहाँ से ड्रॉ कर लेना है। आप चाहे तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं या सर्कल भी रख सकते हैं। थोड़ा सा राउंड शेप ब्राइडल में ज़्यादा अच्छा लगेगा। बैक पार्ट हमारा यहाँ पे बनके तैयार है। फ्रंट पार्ट हम बनाएंगे, तो जितना हमारा आर्म होल है फ्रंट पार्ट के लिए हम 1/2 इंच कम कर लेंगे। बैक पार्ट में हमने आर्म होल लिया था 7 इंच, फ्रंट पार्ट के लिए हम लेंगे यहाँ पे 6.5 इंच। लेंथ ले लेनी है हमें 1 इंच बढ़ा के। 15 इंच हमने बैक पार्ट के लिए लिया था, तो 16 इंच हमें फ्रंट पार्ट के लिए लेना है। आर्म होल ले लिए मैंने यहाँ पे 6.5 इंच। जितना हमारा यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग आया था 11 इंच, तो हमें यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के लेना है 12 इंच या 12.5 इंच। जितना भी बैक पार्ट का चेस्ट है उसमें हमें फ्रंट पार्ट के लिए चेस्ट का मार्किंग 1 इंच बढ़ा के लेना है। 12 इंच है तो 13 इंच इस तरीके से। नेक में ले लूँगी यहाँ पे 6.5 से 7 इंच इस तरीके से। सर्कल का शेप ड्रॉ कर ले, तो आप आपके अकॉर्डिंग भी शेप बना सकते हैं। बाद में मैंने यहाँ पे पान शेप का एक डिज़ाइन दिया था। ब्राइडल में पान शेप बहुत ही कॉमन है और बहुत सुंदर लगता है। आर्म होल पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए गोलाई दे देनी है इस तरीके से। अब प्रिंस कट का शेप बनाने के लिए हमें ऊपर से 9 इंच पे एक मार्किंग लगाएंगे। नीचे से हमें 3.5 इंच ले लेना है और ऊपर से हमें लेना है 9 इंच। 9-10 इंच आप इतना ले सकते हैं, ये विदाउट बेल्ट रहेगा। स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आर्म होल की तरफ से अब हमें निशान लगाना है 5 इंच पे। अब इस निशान को हमें मिला देना है। यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच का मार्जिन, ऊपर से लेंगे हम 3 इंच, और इस तरीके से हमें प्रिंस कट के मिडिल वाले पॉइंट पे मैच कर लेना है। ऊपर से हमें 1/2 इंच का थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए इसे कट कर लेना है। अब वेस्ट के हमें बिल्कुल वेस्ट हमें मैच कर लेना है, बाद में हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हमारा नेक डीप है, तो हमें इसे आर्म होल की तरफ डाउन करेंगे। नेक से हमें आर्म होल की तरफ डाउन करना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है बराबर तरीके से।
दोनों पार्ट की यहाँ पे कटिंग्स हो चुकी है। बैक पार्ट में ही हमारे हुक्स ऐड होंगे, तो ये हम लास्ट में कट करेंगे। अब कमर से हमें हाफ हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए प्रिंस कट के शेप में मैच कर लेना है, इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती। सेम बैक पार्ट में भी हमें यही प्रोसेस कर लेनी है और कट कर लेना है। हाफ इंच को हमें बिल्कुल फ्रंट पार्ट पे नहीं मैच करना है, ये थोड़ा सा बस सेंटर पार्ट पे ही मैच होके कट हो जाएगा। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारे यहाँ पे कट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमें फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को। लेंथ में लूँगी यहाँ पे 12 इंच, कम से कम 12 इंच हमारा यहाँ पे फोल्डिंग रहता है। अब हमें देख लेना है कि कितने इंच पे मार्किंग लगाना है, तो उसके लिए हमें फ्रंट पार्ट के आर्म होल को इस तरीके से मेज़र कर लेना है। मेज़र आ रहा है 12 इंच, तो टोटल हम इसकी विड्थ ले लेंगे 12 इंच। स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लेना है। 12 इंच के पहले हमें 1.5 से 2 इंच के मार्जिन रख लेना है। अब जो मार्जिन रखा है वहाँ पे हमें 3.5 इंच पे डाउन कर लेना है, और ऊपर से हमें इस तरीके से कर्व शेप देते हुए स्लीव्स की डिज़ाइन क्लीन कर लेनी है। अभी हमें इसमें लीव का शेप नहीं देना है, लीव का शेप हम इसे अटैच करते वक्त ही देंगे, इससे कन्फ्यूज़न हो जाता है, कभी इधर या उधर दोनों मैच नहीं हो पाती, इसलिए हम इसे कन्फ्यूज़ क्लियर नहीं करेंगे, बाद में ही हम इसे अटैच करते वक्त लीव का शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारी स्लीव्स भी कट हो चुकी है। अब हमें इसे मेन फैब्रिक पे कट करना है, तो मेन फैब्रिक पे कट करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा वाला वर्क हमें कहाँ पे लेना है। तो इसे मैं सबसे पहले सिंगल फोल्ड ही करूँगी। सिंगल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे इसे एक फोल्ड और कर लेंगे। जो वर्क वाला डिज़ाइन है हम उसे स्लीव्स पे अटैच करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ब्राइडल में स्लीव सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती है। तो इस तरीके से मैं इसे अरेंज कर लूँगी, सारी क्रीजेस को बाहर निकालते हुए अच्छे से पहले कपड़े को अरेंज कर लेना है। और जो नीचे कर्व वाले जो डिज़ाइन आ रहे हैं वो हमारे स्लीव्स में आएंगे, तो नीचे वाला जो पार्ट रहेगा वो हमें स्लीव्स के लिए उसे कट करके अलग कर लेना है। ब्राइडल में सबसे मेन रहता है स्लीव्स और बैक डिज़ाइन, तो जो भी डिज़ाइन हो वर्क हो वो हमें बैक और स्लीव्स में ही अटैच करना बेटर रहता है। कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए प्रिंस कट को कट कर ले सबसे पहले। नेक को भी अगर थोड़ा सा और डीप करना चाहे तो कर सकते हैं, मैंने 1/2 इंच और डीप कर लिया है। अब हमें इसे रख लेना है। बैक पार्ट को हम रखेंगे फोल्डिंग साइड पे, प्रिंसेस कट को हमें साइड में कर लेना है। बैक पार्ट का जो हमारा डिज़ाइन है वो नीचे की तरफ आना चाहिए वर्क वाला, और फ्रंट पार्ट को भी हम फोल्डिंग साइड पे कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद पिन अप कर ले, ताकि जब भी आप कटिंग करो कपड़ा बिल्कुल भी हिले नहीं, इससे कटिंग भी अच्छे से होगी। सारी साइड्स पर हमें इसे पिन से अटैच करके सिक्योर कर लेना है। अच्छे से अरेंज करते हुए इसे बराबर तरीके से कट कर लेना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें नहीं रखना है। सारे शेप को हमें इस तरीके से कट कर लेना है। अब
तो दूसरा वाला अस्तर था, हमें उसका सिर्फ फ्रंट पार्ट ही कट करना है, बैक पार्ट नहीं कट करना है। कटिंग का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसी का स्टिचिंग पार्ट शेयर करूंगी। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।